हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो कि आजकल बहुत 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 ही ज़्यादा बिजी चल रहा है और इसी कारण मुझे एकदम भी टाइम नहीं मिल रहा है और वीडियो भी रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज तो वीडियो डलना ही डलना है। तो ये मॉर्निंग के 4 साढ़े 4 बजे की पिक है। आप देख सकते हैं किचन कितना गंदा हुआ पड़ा है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं किया था मैंने। प्रिंस का जो मर्जी आया बना के खाया। और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चे अगर किचन में घुस जाएं तो क्या कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, सुबह उठते अगर किचन की ऐसी हालत मिले तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये किचन की हालत है। और इधर आते हैं बाऊजी के पास, तो बाऊजी का आप देख सकते हैं बाऊजी की स्थिति। आजकल बच्चों वाली हरकतें हो गई हैं उनकी। और उसमें सबसे फेवरेट जो गेम है उनका, वो ये हो गया है, जितने भी कपड़े हैं, सोफ़ा कवर, कुशन, बेडशीट्स जो बिछी हुई हैं, यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े भी बाऊजी सारा उठा के फेंक देते हैं। पता नहीं उनको अंदर से क्या लगता है, सारे कपड़े वो उठा के फेंक देते हैं। तो ये सब भी अभी मुझे ठीक करना है। और कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बाथरूम में आप देख सकते हैं, बाथरूम में कपड़े भी, कल वाले भी कितने सारे पड़े हुए हैं। तो एक दिन अगर काम छोड़ दो तो ये स्थिति होती है। तो जो जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे से समझ सकती हैं। और मैंने तो मैट भी नहीं रखा है, लेकिन 2 ढाई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हैं मेरा मैक्सिमम काम हो चुका है। किचन एकदम साफ़ हो गया है। और ये देखिए, बाहर आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी अच्छी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, गर्मी से राहत मिल गई है। और इधर देखते हैं तो इधर का भी सारा काम हो चुका है, सारा अरेंज कर दिया है मैंने। और बाऊजी को भी नहला धुला के, चाय बिस्किट दे के, और चाय बिस्किट खिला दिया है मैंने। और बाऊजी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर अपना बैठेंगे फिर लेट जाएंगे। तो प्रिंस जग चुका है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन नहीं है, वो बाऊजी को देख लेगा। उसके बाद मैं जा रही हूँ, अभी कपड़े धोऊंगी, फिर नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में, और अब मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट जो भी है सब एक साथ ही बनाऊंगी। लंच तो इन लोगों को करा दिया था, दही चूड़ा, क्योंकि ये सारा काम करते करते मेरा आज 9:45 के करीब हो गया है। तो आज टेंशन नहीं था, आज सारा काम पहले हो चुका है। नहीं तो होता क्या है कि ऑफिस तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, तो ऑफिस जाना होता है। तो सुबह का बाऊजी का सारा काम करवाने के बाद, बाऊजी का बेड वगैरह ठीक करके, नहला धुला के, फिर मैं खुद नहा के किचन में आती थी, फिर ब्रेकफास्ट बना के, इन लोगों को ब्रेकफास्ट करा के, ऑफिस भेज के, फिर 10-11 बजे से अपने उस काम में लगती थी, कपड़े उपड़े धुलना जो है, क्योंकि ये सारे कपड़े तो मशीन में धुलेंगे नहीं, वो मुझे हाथ से ही धोने होते हैं। और वो धुलते सुखाते उसको करते, फिर लंच का टाइम हो जाता है, लंच करते, बनाते, खिलाते, फिर उसके बाद चाय का, मतलब ऐसे करते करते फिर बीच बीच में बाऊजी का भी देखना होता है। तो ये सब करते करते एकदम टाइम नहीं मिल रहा। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि आज कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। और चूंकि कल शिवरात्रि भी था तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो ये मैं बना रही हूँ, पतली वाली लौकी आई थी घर में, तो उसका मैं पकौड़ी बना रही हूँ। ये पकौड़ी सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में सब मीठा खाने वाले हैं। प्रिंस थोड़ा बहुत मुझे कंपनी देता है, अदरवाइज मैं अकेली ही पकौड़ी वगैरह प्रिंस भी नहीं खाता है। तो ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊंगी, अभी जा रही हूँ दही बड़े बनाने। दही बड़ों को सिंपली वो मैंने फेंट लिया है, दाल थी उसको पीस के फेंट लिया है। और ये एक चेक करने का अच्छा तरीका है, बैटर को पानी में डाल के देखेंगे, अगर बैटर तुरंत ऊपर आ जाता है, मतलब आपका बैटर रेडी है बड़ों को तलने के लिए। तो इसमें मैंने डाला है नमक और हींग, और उसके बाद मैं सारे बड़ों को एक साथ कई सारे डाल के, कोई शेप नहीं देना है, एक एक करके मैं नहीं तलूंगी अभी, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। और ये जो है ना, ये मालूम पहले ऐसे ही बनाती थी, इसको फुलौरा बोलते हैं हम लोग के यहाँ। एक साथ में कई सारे बड़े डाल के, और इसको मैं चाकू की हेल्प से अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि एक साथ कई सारे डालने पे वो तो चिपकेंगे ही। तो सबको अलग करके और मैं डार्क ब्राउन होने तक तल लूँगी, क्योंकि जो कम सिके होते हैं ना, फिर दही में डालने के बाद वाइट वाइट से कच्चे से दिखते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरीके से करके मैं सारे बड़ों को तल लूँगी। और इसके साथ ही साथ मैं अपना दाल चावल भी प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सी थकान हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल सा दाल चावल बना लूँगी। और सब्ज़ी में देखती हूँ क्या है, अगर नहीं कुछ होगा तो भुजिया बना लूँगी, क्योंकि अब काम तो सारा हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ी सी टायर्ड हो रही हूँ, क्योंकि कल तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज सुबह से एकदम हैक्टिक वाला प्रोग्राम हो गया है, तो इसलिए। और ये देखिए, बड़े मेरे तल चुके हैं और इसको मैं निकाल लूँगी। और प्रिंस क्या है कि वो जब दाल चावल का भी बात सुना, तो उसको दाल चावल अभी नहीं खाना था, उसको कुछ अलग सा खाना था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
कटोरी में मैंने एक सूजी ली है और साथ में उसके ये जो दही बड़ों वाला जो बैटर था उसको 2 चम्मच डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छे से नमक डाल के और थोड़ा पानी डाल के, अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली। तो इसको मैं डोसे की तरह इसको फैला दूंगी और बना दूंगी। इसको हम लोग पपड़ा बोलते हैं, तो पपड़ा चटनी प्रिंस को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये नहीं भी कुछ होता है तो वो अपने से बना के खा लेता है, सूजी को दही में घोल के और मिक्स करके बना लेता है। इसके साथ मूंगफली की चटनी जाएगी। चटनी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस चटनी है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च है, नमक है, सबको डाल के एक साथ पीस दिया है। छौंका वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और ये आपका तैयार हो गया पपड़ा चटनी, डोसा चटनी, जो भी बोल लें। और ये हैं हमारे दही बड़े। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।